तो गाइस आज का भी मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी मोर देन 27-32% के बीच में, जो कि कल की ऑक्यूपेंसी के साथ एग्जैक्ट मैच खाती है। कल फिल्म ने लगभग 32 करोड़ का, अप्रॉक्सीमेटली 32-33 करोड़ का कलेक्शंस किया है। इंडिया नेट कलेक्शन सिंगल लैंग्वेज से जस्ट 8,000 से 10,000 शोज काउंट के अंडर में। इवन टाइगर 3 जैसी फिल्में 20,000 शोज काउंट के अंदर आकर डे नंबर 4 में समथिंग 19-18-17 या 20 करोड़ में ख़त्म हो गई सोलो दिवाली में। बट ये फिल्म क्लैश में इवन 10,000 शोज काउंट इसके कम होने के बावजूद स्टिल एक ड्रामेटिक फिल्म, एक सोशल ड्रामा फिल्म अभी तक डे नंबर 4 यानी कि इसका संडे, फर्स्ट संडे को ये फिल्म 32 करोड़ क्रॉस करती है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड डे नंबर जो 5 चल रहा है उसके ऊपर तो मैं अपडेट लाता हूँ, और जो मॉर्निंग के शोज़ जो अभी चल रहा है अभी राइट नाउ उसके हिसाब से तो डे नंबर 5 का कलेक्शन जो है वो भी मेरे को लग रहा है कि कम से कम 20 करोड़ तो ये क्रॉस करेगी ही करेगी, बिकॉज मॉर्निंग के शोज़ की ऑक्यूपेंसी लगभग 27-30 के बीच में, जो कि कल भी उतने ही थी। कल के शोज़ काउंट ज़्यादा थे, आज के शोज़ काउंट और कम हुए। शोज़ काउंट कम होने के बावजूद फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़े, एक चीज़ है, शोज़ काउंट जितने कम होते रहेंगे ऑक्यूपेंसी उतनी बढ़ती रहेगी, ये चीज़, ये तो टेक्निकली है। बिकॉज पब्लिक क्या है, पब्लिक ऐसा नहीं है थिएटर नहीं जा रही, पब्लिक थिएटर जा रही है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ मार कहाँ खा रही है पता है, ये मूवी मार ये जगह खा रही है कि इसके शोज काउंट कम की, इसलिए ये सोच में किए जा रहे हैं कि सलार एक एक्शन फिल्म है, क्यों ये अभी एक्शन बासी एक्शन फिल्म अभी तब पब्लिक पूरा देख देख कर पब्लिक को भी वही रिपीटेडली मोस्टली नॉर्थ के ऑडियंस को वही रिपीटेडली देखने में ज़्यादा चुल है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो तो सिंगल स्क्रीन वाले समझ गए, तो सिंगल स्क्रीन वाले क्या है इसका शोज कौन जो है सिंगल स्क्रीन के अंदर से ख़त्म कर रहे, तो उस वजह कैपेसिटी इशूज़ के, बिकॉज उसको सलार को अपने रीजनल लैंग्वेज में बराबर फुल ऑन फुल 100% स्क्रीन कौन एंड 100% शोज कौन मिल रहे, इसको इसके लैंग्वेज में 100% शोज कौन मिलने की जगह 50% शोज कौन इसका मतलब हटा दिया। तो कैपेसिटी इश्यूज के कारण स्टिल ये फिल्म 27-30% का ऑक्यूपेंसी, तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, नो इशू, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी बिकॉज पब्लिक थिएटर जा रही है। ऐसा नहीं है नहीं थिएटर नहीं जाती और शोज कम होते जाते तो ऑक्यूपेंसी भी कम होती जाती, अभी ऑक्यूपेंसी और बढ़ती जाएगी। तो डे नंबर 5 का ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग का अभी तक 27% क्रॉस कर चुका है, जो कि कल के कंपेयर में ज़्यादा या तो इक्वली है। और डे नंबर 5 का कलेक्शंस मुझे ऐसा लगता है कि आज मे बी 25-26 के आसपास ये कलेक्शंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, बिकॉज नाइट शोज वैसे भी कम होते ही है, वो चाहे संडे हो अगला दिन या किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, नाइट शोज 100% ड्रॉप लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे जो मेट्रो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, एक तो अभी दिसंबर चल रहा है, दुनिया मतलब इतना लेवल का ठंडा है वहाँ पर कि वो क्लाइमेट के हिसाब से भी ड्रॉप ले, इवन नाइट शोज दोनों के ड्रॉप हुए कल, सलार के भी एंड इसके भी डंकी के भी ड्रॉप हुए। तो अगर नाइट शोज 60 क्रॉस हो जाता कल तो आज 35 करोड़ का कलेक्शंस आ जाता, तो दैट इज़ द थिंग। तो डे नंबर 5 का कलेक्शंस मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये फिल्म ईजिली 23-25 करोड़ के आसपास कलेक्शंस कर लेगा, और इसका टोटल कलेक्शंस हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड हो जाएगा इसका टोटल कलेक्शंस 270+ करोड़, बिकॉज ओवरसीज के अंदर में आतंक मचा रही है फिल्म। मैं बोला ना भाई ओवरसीज का बाप है वो, ओवरसीज में थोड़ा सा टाइम दो, टिकट प्राइसिंग दूसरे फिल्म के आधा है, सलार का टिकट प्राइसिंग $25 है, $25, इसकी टिकट प्राइसिंग $12 है, आधा भी नहीं, आधा से भी कम है। तो $12-$25 स्टिल ओवरसीज के अंदर मॉन्स्टर मोड में सलार को ऑलरेडी 10-11 करोड़ से गैप अप ले चुकी है। तो आज मेरे को लग रहा है ओवरसीज के कलेक्शंस में तो सलार को आज टोटल जो सलार का कलेक्शंस ओवरसीज के अंदर में उसको पार कर मतलब आज अभी तक कल तक तो कर चुकी होगी, टोटल उसका कुछ 77 है, इसका कुछ 67 था परसों तक, वो इंक्लूडिंग उसका प्रीमियर प्लस टिकट प्राइसिंग डबल। तो कल मेरे को ऐसा लग रहा है ये 80 तक पहुंच गई होगी, वो आई गेस 80-85 तक पहुंच गई, वो आई गेस वो 70-77 के बाद, वो भी समथिंग 80-82 के आसपास होगा। तो लाइक लिटरली लगभग अगल बगल आज तो आर पार कर चुकी है, आज तो 100 करोड़ पार कर देगी ओवरसीज के अंदर भी ये फिल्म। तो देखते हैं क्या होता है, डे नंबर 5 के कलेक्शंस मेरे हिसाब से 23-25 करोड़ आएगा, मे बी इससे ज़्यादा हो सकता है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। अगर ये लोग शोज काउंट कम कर रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी ये लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे। मुंबई में कुछ दल्ले बैठे हैं जिनका पूरा साल भर का थिएटर भरा ही इसी इंसान ने, लेकिन थिएटर रिप्लेस कर रहे हैं लोग थिएटर, और चौड़े होकर आकर वीडियो में बोल भी रहे, तो वो सब फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।